अस्सलाम वालेकुम नाजीन, प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया अफजल। नाजीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं जो बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, कुछ डिफेंस रिलेटेड होते हैं और कुछ इंटरनल इशूज जो पाकिस्तान में चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मियाँ तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ मदद किया। जी तारिक साहब, जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं वो तो अपनी जगह है जी, कुछ हमारे इंटरनल चीज़ें भी इस तरह की थोड़ी हैपहेजर्ड हुई हुई हैं। जी जी, अगर हम स्टार्ट करते हैं पीडीएम से स्टार्ट करते हैं जी, पीडीएम देखिए लाइक मैं ये समझती हूँ कि हर मुल्क में जो है वो अपोजिशन होती है जी, लेकिन जितना बड़ा अलायंस इस दफ़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ है पीडीएम का, उसके पीछे क्या सिर्फ एनआरओ है या कोई और वजह भी है? नहीं, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो शे आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और खुसूसन इस जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त मीडिया पर मीडिया को नहीं मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते, वन साइडेड स्टोरीज ही दिखाई जाती है कि जो हुकूमत का वर्जन आता है। आपने देखा होगा कि जब कोई पीडीएम या किसी भी पोलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती है, उसका कोई वज़ीर या उसका जो एक्स या हेड वगैरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई बयान देते हैं, तो 10-10 जो मुआवने खसूसी हैं फेडरल गवर्नमेंट के या प्राइम मिनिस्टर के, वो आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, बदकिस्मती ये है पीडीएम से पहले ये कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं, इससे पहले आईजीआई बना था, इससे पहले और बहुत सारे पीएनए की तहरीक चली थी, उससे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तहरीकें चलती रही हैं। लेकिन पीडीएमए का बनना सिर्फ जो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि क्या एनआरओ नहीं है, ये एनआरओ की मसला ये है कि एनआरओ हमारी गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती, जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है ना, इमरान खान साहब कहा जाता है, वो एनआरओ इसलिए नहीं दे सकते कि एनआरओ जो लास्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त प्रेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो वो उस वक्त फौज की जानिब से वो जो हुआ था वो दिया गया। अब रही बात इस वक्त एनआरओ देने की, तो एनआरओ उस सूरत में होगा कि जब फौज और हुकूमत एक पेज पर होंगे। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त माशी बहरान या दीगर जो मसाइल पैदा हो चुके हैं, उसके बाद शायद अब फौज भी बहुत पीछे होगी, शायद वो अपने इस तजर्बे से उनको जितनी मायूसी हुई है तो वो अब शायद उस तजर्बे का खमियाजा ये पूरी कौम भुगत रही है, उस तजर्बे से बचने के लिए शायद इन फ्यूचर आने वाले दिनों में कोई इन हाउस तब्दीली हो जाए या कोई और मामला हो जाए कि जिसमें इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ चल रही है, दो केसेस हैं, एक है इस वक्त जो हमारा फॉरेन फंडिंग केस है, वो आपको पता है कि कुछ दिनों से लाइमलाइट में फिर दोबारा आ गया। फॉरेन फंडिंग केस का लाइमलाइट में आना और 2.5 साल तक मौजूदा हुकूमत की जो कि अपने आप को इंसाफ पर मबनी माशरा बनाने के लिए इमरान खान साहब के दावे थे, वो 2.5 साल तक किस तरह फिर वो केस रुका रहा। इसी तरह जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों के हवाले से जितने भी केसेज नैब में मौजूद हैं या उनके खिलाफ जो दीगर मामला थे, वो सारे के सारे स्टे पे चल रहे हैं, सारे के सारे रुके हुए हैं। लेकिन अपोजिशन जब भी कोई जलसा करने लगती तो उनके 2-4 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अब वो उसको आप उस नैरेटिव को एक बिल्ड कर दिया गया है, चोर 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 चोर, लेकिन 2.5 साल की मौजूदा हुकूमत के दौर में तमाम एजेंसियों की मौजूदगी में अगर चोरों का आप एहतसाब नहीं कर सके, चोरों के बारे में सबूत नहीं इकट्ठे कर सके, तो फिर आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि कोई चोर है। फिर आप इसको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं इसको, कि ये इस वक्त जो हो रही है वो पाकिस्तान में, और उसके लिए हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना भी एक जगह पर हद तक ठीक है, लेकिन हुकूमत शायद इस मुल्क को स्टेबल करने के, देखिए हुकूमत जो होती है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे पाकिस्तान का होता है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी एक सूबे या एक शहर का नहीं होता। और जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने, मैं उसकी एग्जांपल ये नहीं कहूँगा, जरदारी साहब की एग्जांपल ले लें, जरदारी साहब के बारे में जो जो मीन्स बने, जितने लतीफ़े उन पे बने, शायद कभी किसी के बारे में ना बने, ठीक है। उसके बाद आ जाए नवाज शरीफ साहब, आ जाए नवाज शरीफ साहब के बारे में 2.5 साल तक चोर चोर का एक ऐसी गर्दान चलाई गई, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि एक आम बच्चा जो उसको शायद सियासत की तो अलग भी आती ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर कहता नवाज शरीफ चोर है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर वो चोर था, आपने नैरेटिव बिल्ड किया, तो फिर आप साबित करें ना। उस साबित करने के लिए आपको जो चीज़ें हैं, वो सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके पास तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आपके पास तमाम इदारे मौजूद हैं, आपके पास सब कुछ मौजूद है, आप उनसे जो सबूत इकट्ठे हुए हैं आप उनको
पब्लिक करें और आवाम से कहें कि जी अब ये है, भले कोई सजा नहीं होती ना हो, लेकिन पब्लिक को वो सारे सबूत दें, ना कि आप कुछ ऐसी कहानियां या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे पब्लिक आपसे मुतरफर हो रही है। इस वक्त पाकिस्तानी आवाम मौजूदा हुकूमत का जो एक एजेंडा था, एक आम आदमी जो पिस रहा है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से, और वो तो इस वक्त हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है झोलियाँ उठा उठा के बदुआएँ कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी महंगी उसे इस कॉस्ट पर मिल रही हैं कि वो जो तीन वक्त की रोटी खाता था बंदा, वो अब एक वक्त की रोटी छोड़ने पर मजबूर हो गया। और बाज़ फैमिलीज़ में तो सूरत हाल ये है कि सुबह का नाश्ता जो है वो सिर्फ एक चाय का कप होता है, और उसके बाद दोपहर का भी खाना नहीं होता है, शाम में खाना होता है जिसको रात का खाना समझ के होगा। तारिक साहब, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें जी। एक तो अगर हम देखते हैं नाहली वाला एलिमेंट कि ठीक है हुकूमत नाहल है, वो कर नहीं पा रही है जी, मैनेज नहीं कर पा रही है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी तो हो सकता है कि हुकूमत को करने नहीं दिया जा रहा। आपकी बात देखिए, करने नहीं दिया जा रहा, कौन नहीं करने दिया जा रहा? इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर अगेंस्ट वाली बात है तो इमरान खान साहब का एक मोटिव था कि जब ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो ठीक होता है ना तो नीचे कौम खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यही जुमला था, यही उनका नैरेटिव था, जिसकी बुनियाद पर कौम ने उनको वोट दिया, जिसकी बुनियाद पर कौम ने उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट तक बिठाया। लेकिन मसला ये है, और अगर वो ये वो सीट पर आने के बाद ये कहें, असल में प्रॉब्लम ये है कि खान साहब खुद ही बहुत सारे सच उनके मुंह से निकल जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं ये 22 करोड़ के लोगों का मुल्क नहीं चला सकता। जिस शख्स का तजर्बा सिर्फ 12 खिलाड़ियों को चलाने का हो वो कैसे मुल्क चला सकता है? दूसरी बात, जो बात आपने कही ना कि जी वो उनको करने नहीं दिया जा रहा, तो बात ये कि ये मौजूदा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब कल वो किसी के अगेंस्ट मुजाहरे कर रहे थे उस वक्त उन्होंने 25,000 ऑफर्स की, आए जी बैठ के बात करें। आप कहते थे नहीं जी इस्तीफे के बगैर नहीं जाऊंगा, फिर इस्तीफा भी नहीं ले सके। आपने एहतजाज किया, आपने कहा जी हमारा हक है, उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया, आपको इस्लामाबाद आने दिया, आपने 126 दिन धरना दिया, उसका फायदा क्या हुआ? आपका चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का दौरा डिले हुआ जिससे सीपैक और पाकिस्तान की तरक्की रुकी, उसके अलावा और बहुत सारे विजिट्स, तुर्की के प्रेसिडेंट का विजिट डिले हुआ, फिर और ये हुआ कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो था, जो दारुल हुकूमत था, वो 126 दिन इंटरनेशनल मीडिया का मरकज रहा कि जी आपका जो वहाँ पर मौजूद जो सफारतखाने थे गैर मुल्की, वहाँ लोग खौफजदा थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की खुद बुनियाद रखी थी। अब जब अपोजिशन एहतजाज करना चाहती तो आप ये कहते हैं, एहतजाज कर रही है आपके साथ कि जी वो हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो बात यह है कि 2.5 साल में मौजूदा हुकूमत ने काम किया क्या है? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, कोई एक ऐसा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, एक 1100 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिस पे गवर्नमेंट साइड से बगले में जाई जा रही है कि जी हमने महमूदाबाद नाला साफ कर दिया, ये दिस इज नॉट, ये काम नहीं है। आपने पब्लिक की जो आपके पास 12,000 एक्स्ट्रा बिजली आ गई थी मेगावाट, वो बिजली आपने ज़ाया कर दी। आपके पास जो सिर्फ सक्कर हैदराबाद मोटरवे रहता था, आप 2.5 साल में बना के दिखाते, और 2.5 साल में बनाने के बाद ये होता कि कराची से इस्लामाबाद का सफ़र जो है 10 से 12 घंटे का हो जाता, आपसे वो नहीं हुआ। फिर जो प्रोजेक्ट बन गए हैं आपने तो उनको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हुकूमत पे हुकूमत अगर ये कहे कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद ये मजाक होगा एक आवाम के साथ भी। आप ये बताएं कि जब लोग चेंज की तरफ क्यों जाते हैं, जब डेफिनेटली उनको प्रेजेंट सिचुएशन से जो है वो रिलीव नहीं मिल रहा होता या प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होते, जब ही तो वो चेंज की तरफ जाते हैं ना। इस दफा आपने देखा किससे ये जो भी र्यूमर्स है कि मतलब लेकर आया गया, सिलेक्टेड थे वो सारे एक तरफ, लेकिन बहरहाल आवाम निकली इस दफा, ये इस बात से आप अग्री करेंगे? देखिए मैं हमारे यहाँ आवाम सिर्फ डिफेंस या जो PCHS की आवाम है वो उसका निकलना आवाम नहीं होता है। आम आपको नहीं पाकिस्तान से लोग, मैं बताता हूँ ना, आपके इस इलेक्शन में जो परसेंटेज थी वो पिछले इलेक्शनों से कम थी, इसके बावजूद ठीक है लोग बाहर निकले लेकिन परसेंटेज आपकी जो वोट कास्टिंग है वो कम थी, लेकिन उसके बाद इट्स ओके, हो गया इलेक्शन, हो गया सब कुछ हो गया। बट प्रॉब्लम ये, खान साहब के 2-3 जुमले मैं आपको याद करवाता हूँ जो बड़ी उनकी मशहूर तकरीरें थी कि अगर 100 बंदे भी मेरे खिलाफ निकल आए कि गो इमरान गो का नारा लग गया तो मैं रिजाइन दे के चला जाऊंगा, यही होता था। पेड़ की बात नहीं है, बात बंदों की हो रही है, उन्होंने पेड़ नहीं कहा था, लेकिन इसमें कोई भी पेड़ नहीं आता। आप जिस शख्स के घर में 3 वक्त रोटी ना पके और वो भूखा हो वो क्या करेगा? वो यही करेगा।
आप कभी आप इंटीरियर सिंध जाके देखें, इंटीरियर पंजाब जाके देखें, केपीके में जाके देखें। केपीके में तो उनका 8वां साल है ना गवर्नमेंट का, वो कहते हैं हमारा तजर्बा 2.5 साल हुए, 8 साल हो गए ना आपने केपीके में गवर्नमेंट कर रहे, केपीके में आपने क्या तब्दीली ले आए? एक BRT तो अभी तक बनी नहीं है उनसे। BRT का मसला यह है कि जो इनको कहते थे जंगला बसें, आपने वो प्रोजेक्ट भी शुरू कर लिया, फिर वो जंगला बस के ऊपर जो उन्होंने 1 अरब में 3 बनाए, आपसे 1 अरब 20 करोड़ में वो जो है जाके 120 अरब में आपके पास से एक नहीं बना, और एक बन भी गया तो चल नहीं पाया कि वो 7-8 किलोमीटर का से पोर्शन में चलाते थे दिखाने के लिए। अब मसला ये है जहाँ पे प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स आपके हों कि आपने वो क्या कहते हैं लंगर खाने खोलने हों, और जहाँ पर आपने भैंसें बकरियाँ और भेड़े बेचनी हो या मुर्गियाँ और अंडे देने हो, ये प्रोजेक्ट नहीं होते। कौमों को तब्दील करने के लिए और बहुत कुछ होता है। हाँ, उनके लिए ये ज़रूर है, खान साहब के हवाले से लतीफ़े ज़रूर बन गए हैं ये मुर्गियों भेड़ों और बकरियों पे, इससे लोग इन्जॉय करें या घबराएं ना ये सुन के तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का बुनियादी स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में जो 70 साल में नहीं हुआ था, मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में वो तबाह हुआ है। बुनियादी स्ट्रक्चर से मुराद ये कि एक आम आदमी का जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड था वो और नीचे गया है, और जो मिडिल क्लास थी जिसको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो तो बिल्कुल गुर्बत से नीचे चले गए। तो ये एक ऐसा मामला हुआ है, वो कहते हैं ना कि खान साहब को एक लकीली कोई अच्छा काम, हालांकि उनकी तरफ से कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की गई क्योंकि अच्छा काम हो। कोरोना की वजह से पाकिस्तान को जहाँ दुनिया की मैशत तबाह हो रही थी, पाकिस्तान को कुछ ममालिक से कुछ ऑर्डर्स मिल गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो पाकिस्तान की जो गारमेंट इंडस्ट्री है या आपकी जो कपड़े की सनत है उसमें बूस्ट आया है। और ये इसमें कोई हुकूमत की पॉलिसी या हुकूमत ने कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाई गया जिसकी वजह से ये, वो मजबूरी ये थी कि चाइना में कोरोना था बुनियादी तौर पर, बांग्लादेश में भी कोरोना के पेशेंट ज़्यादा थे इंडिया में, वो आपको ऑर्डर्स वहाँ के जो हैं रिप्लेस हो गए, वो पाकिस्तान को मिल गए, बड़े बड़े ब्रांड्स ने आपसे कांटेक्ट कर लिया और अब आपके यहाँ काम हो रहा है। लेकिन वो लोग जो खान साहब की आमद पे पहले साल में जो लोग बेरोज़गार हुए थे, अब शायद उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, गुजरात वालों, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत मेरा ख्याल है कि GDP ग्रोथ रेट 6.6 से वापस -4 पे लेके जाना, ये इससे बड़ा कारनामा खान साहब का। कमिंग बैक टू बिल्कुल आपकी बात, आपकी इसी बात को मैं इंटीग्रेट करती हूँ PDM से जी, कि PDM जिस तरीके से PDM में अलायंस हुआ है, एक बहुत बड़ा अलायंस देखने में आया। अब आप मुझे बताएं कि इस PDM के अलायंस में अवाम के लिए क्या चीज, क्या बेनिफिट है? देखिए अवाम के लिए अपने सबके एजेंडे हैं, हो सकते हैं होंगे, लेकिन बात ये कि वो जिस एक वन पॉइंट एजेंडे पे हुए कि हुकूमत का खात्मा, ठीक है, वो हुकूमत का खात्मा या इन हाउस तब्दीली, अच्छा वो तो PDM का एक नैरेटिव ये है कि ये इलेक्शन नए होने चाहिए क्योंकि ये जो मैंडेट था वो चुराया गया है, तो यहाँ पर इलेक्शन नए होंगे तो तब, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है कि PDM के कुछ लोगों को शायद ये सोचना चाहिए कि अगर 20-25 अरब रुपया लगा के हमने फिर दोबारा इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है ना, तो उससे बेहतर ये है कि अगर इन हाउस तब्दीली ला के कुछ किया जा सकता है तो बेहतर है, ठीक है। रही बात इमरान खान साहब के 200 के करीब माहिर मईशत दान थे जिन्होंने आते ही 15 दिन से लेके 90 दिन के अंदर मुल्क की तब्दीली जो लानी थी मईशत की, उन्होंने पाकिस्तान का रुख बदल देना था, पाकिस्तान को एशियन टाइगर से ऊपर बल्कि शायद अमेरिका से भी ऊपर ले जाना था, लेकिन वो सारी के सारे दावे 2.5 साल के बाद अगर खान साहब ये कहें कि जनाब हमें तो तजर्बा नहीं था तो इसलिए हम नाकाम हो गए, तो मैं अक्सर दोस्तों में बैठ के एक जुमला कहता हूँ कि बात यह कि अगर आप एक काउंसलर लेवल के बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दोगे तो यही होगा, या गधा गाड़ी चलाने वाले को अगर जंबो जेट जहाज दे दो कि उसे को जी ये आपने उड़ाना है तो वो उसके साथ वही सलूक करेगा जो खान साहब ने इस मुल्क के साथ किया। प्रॉब्लम ये है खान साहब नंबर एक सुनते किसी की नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं, उनको जो गाइड करने वाले उनके जो करीबी लोग हैं वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये वो चोर हैं जो ATMs हैं जिनकी वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क आज हुआ है। अभी आपको एक मज़े की बात बताऊँगा, एक उनके खिलाफ एक पिटीशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एतराजात लगाए थे वो गए। OGDCL की निजकारी नदीम बाबर साहब हैं, एक खान साहब के मावन खसूसी हैं, जो उनको वो 7% शेयर खरीद के उसके OGDCL के सया सफेद के मालिक बनने जा रहे थे, लेकिन वो निजकारी रुक गई है, लेकिन कैबिनेट ने फिर दोबारा OGDCL की निजकारी 7% शेयर की दोबारा दे दी है मंजूरी, वो रुक जाएगी, पोटेशन जाएगी, तो डेफिनेटली वो इतनी बड़ी करप्शन है कि 1 खरब से जायद के शेयर जो हैं आपको 30 अरब रुपए में दे रहे हैं आप, क्या ये चोरी नहीं, ये फ्रॉड नहीं, ये वो अकरबा परवरी नहीं, या वो जो कहा जाता है रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है, तो ये नहीं है। अब ये करप्शन जो है, इस तरह की करप्शन जिसके बारे में खान साहब माजी में कहते थे वही सारी कि जी ये सब गलत है, ये सब गलत है,
भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नहीं कहते थे गलत है, वो करते थे, लेकिन आप कहते थे गलत थे, फिर आपने आके वही काम दोबारा शुरू कर दिए। स्टील मिल की जमीन सिर्फ स्टील मिल की निजकारी नहीं है, ये कराची की कुछ हजारों एकड़ जमीन पर कब्जे की एक साजिश है, जो खान साहब और उनके गर्द गर्द की माफियाज हैं वो सारे के सारे करना चाहते हैं। तो ये सारे का सारा मामला इस तरह, इसको जाके हर स्कैंडल या हर बात के पीछे जाके देखें कि तो अरबों, पहले होता था लाखों में करप्शन होती थी, करोड़ों में होती थी, अब तो अरबों से नीचे कोई करप्शन ही नहीं है। अभी स्टील मिल का आपने जिक्र किया, स्टील मिल का जो जितना बड़ा लॉस मतलब बेयर करना पड़ा उसकी तो जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, फेडरल देखें, वो इदारा है कौमी वफाकी है, ठीक है ना, उसकी सिंध गवर्नमेंट पे क्या जिम्मेदारी आ रही है? सिंध गवर्नमेंट के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ भर्तियां हुई हैं, ठीक है जी, भर्तियां हुई, आप निकाल दें। बात ये कि लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम जो है वो उनके दौर में, वो स्टील मिल के वो चेयरमैन रहे, उनके दौर में स्टील मिल जब मुशरफ साहब के दौर में हुई, स्टील मिल प्रॉफिटेबल इदारा था, वो जाते हुए प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट में चल रहा था, फिर कैसे लॉस में गया? बात यह कि रशिया आपको कहता है, वो आज आपको चला के देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जॉइंट वेंचर करने चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बना के दिए आपको। ये मशीन तो होगी लाखों नहीं करोड़ों की होगी, आपने खरबों की जमीन जो है वो कोड़ियों के मोल बेचने चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। इस इदारे को, इदारे चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिनको मुल्क चलाना मुश्किल है वो इदारे क्या चलाएंगे? रेलवे का खजाना 10 अरब हो गया था 60 अरब से, ठीक है, उसको दोबारा आपने 60 अरब के करीब पहुंचा दिया है। शेख रशीद साहब का इतना तजर्बाकार साबिक पहले भी वजीर रेलवे रहे, उन्हें बेड़ा गर्क कर दिया रेलवे का। अब ट्रेनें जो हैं, जो मैं ये नहीं क्रेडिट देता हूं ख्वाजा साद रफीक को कि जिनके दौर में ट्रेनें पाकिस्तान में बिफोर टाइम हो गई थी। शेख रशीद साहब का कहना तो ये था, हम ख्वाजा साद रफीक साहब का किया वो कतरे। नहीं, अब बात ये, अगर 3 साल के बाद शेख रशीद साहब, हम तो हर दफा एक ब्लेम गेम। नहीं, ब्लेम गेम मसला पता है, शेख रशीद साहब 7 दफा मिनिस्टर रह चुके हैं, 7 दफा मिनिस्टर रह चुके, इतना तजर्बा था, तो क्यों नहीं उन्होंने रेलवे को ठीक किया? रेलवे को ठीक करने के बजाय रेलवे का और बेड़ा गर्क कर दिया। सर्कुलर रेलवे के नाम पर जो कराची के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है फेडरल की तरफ से, वो जो धाबेजी तक वैसे ट्रेन जाती थी वही चला के आपने कह दी जी हमने सर्कुलर रेलवे चला दी। ये कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ें। अब सोशल मीडिया, आप जितनी मर्जी मीडिया पे पाबंदियां लगा लें, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, ट्विटर है, फेसबुक है, दिगर हर चीज अब आ जाती है, फिल्टरों के बगैर भी आ जाती है, फिल्टर जितनी मर्जी लगा लें कुछ नहीं होता, आ जाती कोई ना कोई चीज। तो इसलिए कुछ खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को ठीक करने के लिए 2-3 चीजें। मैं जिन साहब ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की, उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे जाके एक ब्रीफिंग दी, और 2 घंटे की उस ब्रीफिंग के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एफबीआर के लोगों ने कहा कि जी ये जो आपकी पॉलिसी है 1000% ठीक है, हमारा मुल्क फाइनेंशियली अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो सकता, हम कर्जे भी सारे उतार सकते हैं, सब कुछ हो सकता, लेकिन हमारे बस में नहीं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बात ये होती कि जब आपके अंदर कोई विल नहीं होती, जब आपके पास विल नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगा, 2013 में नवाज शरीफ, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 2013 में नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए कराची, उससे पहले सूरत हाल ये थी, 20 लोगों मर रहे थे, 15 लोग मर रहे थे, 25 लोग मर रहे थे, 30 लोग मर रहे थे। आप कोई कराची शहर में अपने आप को, हम 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, हम अपने आप को गैर महफूज समझते थे कि जा रहे हैं पता नहीं वापसी होगी या नहीं होगी, कहाँ से एक नामालूम शख्स गोली मार देगा, या ना मरने वाले को पता होता था मैं क्यों मर रहा हूँ, ना मारने वाले को पता होता था मैं क्यों मार रहा हूँ। उससे पहले कराची में फौज भी थी, रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, पोलिटिकल गवर्नमेंट भी थी, फेडरल गवर्नमेंट भी थी, सब कुछ था, क्यों नहीं हुआ उससे पहले ऑपरेशन, क्यों नहीं ये दहशतगर्दी रोकी गई जो कराची में थी? बात ये होती जब पॉलिटिकल विल होती ना किसी काम की करने की, तो फिर ये सारे फैसले होते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब कराची आए, उन्होंने गवर्नर हाउस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कराची की तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उन्होंने कहा जी मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, कराची में अमन कायम करना है, क्या करें? सबने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं। वही MQM साथ थी, जो बाद में भले उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसी शहर में आज अमन है, उसी शहर में अमन कायम हो गया। कितने सालों में? 2 सालों में अमन कायम हो गया था, क्या हुआ फिर? फिर इसी शहर की जो प्रॉपर्टी, जो कोई 10 लाख में घर लेने के लिए तैयार नहीं होता था, 1-1 करोड़ में बिकने लग गए हैं, क्योंकि पुरअमन शहर हो जहाँ रोजगार के मौके हों, फिर लोग आके यहाँ पर रोजगार कमाते हैं, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल के साथ साथ लोग चाहते ही हैं कि ये मुल्क ऐसे ही चलता रहे,
ये मुल्क ऐसे चलता रहेगा तो खाने पीने के उनके सिलसिले जो हैं वो कोई पूछेगा नहीं। और ये लगड़ा लूला देखें, एक आदमी बीमार हो जिसके पास तीन वक्त खाने का रोटी ना ना हो तो उसको सबसे पहले सोच ही होगी रोटी। तो जब वो इन चीजों से निकल आएगा तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान में माशी बहरान खत्म हो जाएंगे, तो देन डेफिनेटली ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा, तरक्की की जाने पे जाएगा। लेकिन जब आपने माशी बहरानों से ही नहीं निकालना, बात तो ये है ना कि लोगों को ये सोच आने क्यों दी कि हमें तब्दीली की तरफ जाना है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तब्दीली की तरफ जाना। बात ये है, ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा इसलिए हो गया, खान साहब को लाया गया या आए या जैसे भी आए, ये पाकिस्तान के अवाम का ना एक वो ख्वाब जो था कि इमरान खान आएगा तो पता नहीं दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि केपीके के अवाम रो रहे थे उस वक्त। वो एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर दिया गया जी पाकिस्तान में आज तक जितने भी लोग आए सब चोर थे, और उन चोरों से निजात के लिए ये है कि इमरान खान आएगा, और इमरान खान आएगा तो पता चलेगा कि क़यामत आ गई और पाकिस्तान जनाब जन्नत बन गया, और रियासत मदीना के नाम पर जो जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने रियासत मदीना को बदनाम करके रख दिया, और रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके जो काम यहाँ पर हुए हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस्लामियात की किताबों में सिलेबस में जो जो कुछ हुआ है वो बींग ए मुस्लिम शायद मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं बयान भी नहीं कर सकता, ठीक है, इसी रियासत मदीना की के दौर में हुआ। फिर उसके बाद जो मामलात हैं कि जी अवाम में तब्दीली, अवाम ने तब्दीली के नाम पर नहीं, अवाम ने जो तब्दीली का ख्वाब देखा था सोचते थे कि शायद ये टू पॉलिटिकल पार्टीज फोरम जो है इससे तब्दील आएगी, तीसरी पार्टी आएगी तो पता नहीं। बदकिस्मती ये रही, आप भी इस चीज़ की गवाही देंगी कि इमरान खान साहब के 80% जो अरकान असम्बली हैं वो वही हैं जो तमाम पिछली गवर्नमेंट्स में रहे। पाकिस्तान का इस वक्त वजीर पानी व बिजली जो है वो कहता है कि जी पिछली हुकूमतों ने जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और बिजली को वो नहीं कर सके। वो मुशरफ साहब की गवर्नमेंट में भी वजीर था, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर रहा, वो नून लीग के दौर में भी वजीर रहा, और जब गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी वो छलांग मार के पीटीआई के पलड़े में जा बैठा और वहां पे भी वजीर। बाज़ दफा कुछ चीजें मसलहतन भी तो की जाती है, जिस तरीके से ये जब ये अलायंस हुआ आपका पीडीएम का अलायंस हुआ तो फजलुर रहमान साहब को लेना भी मेरे ख्याल से मसलहत का ही एक पहलू था। नहीं नहीं वो तो पीडीएम स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, उनको क्या जरूरत थी। फजलुर रहमान साहब का मसलियत का मामला ये कि फजलुर रहमान साहब के पीछे वोट बैंक बहुत बड़ा है, वोट बैंक से मुराद ये उनके पीछे मदारस के तलबा हैं, उनके उनके पास एक मजहबी तबका जो है वो पूरे का पूरा उनके पीछे खड़ा होता, वो मजबूरी उनके बगैर शायद ये अलायंस इतना स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें, वो कोई कहता है जी 40 लाख की वो लस्सी पी गए कश्मीर कमेटी में रहते हुए, मेरा ख्याल है लोगों को शायद वो वीडियोज़ या उनकी वो क्लिप्स मौजूद हैं जो अक़वामे मुत्तहिदा में भी वो गए और वहाँ पर भी जाके कश्मीर के मसले पर वो बात करके और दीगर मुमालिक में भी गए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये होती है जब हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है ना, झूठ बोला जाता है, यहूदियों का एक फार्मूला है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए, ठीक है ना। हमारी बदकिस्मती ये रही है 1400 साल से बहुत सारे झूठ ऐसे बोले गए हैं कि हमें वो सच लगते हैं, हमने उन्हीं को सच मान लिया, और अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं 28 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मैंने ये नहीं कहता, मेरा इमरान खान का कराची में जो पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू था मैंने किया था, मुझे पता है कि खान साहब उस वक्त उनका क्या विजन था, वो क्या सोचते थे, जो खान साहब के नज़रियाती लोग हैं आज वो उनके साथ नहीं खड़े। आज तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो माफियाज या वो जो जिनको ये चोर डाकू कहा करते थे वो सारे के सारे इनके साथ मौजूद हैं। वो जिनको कहते थे पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी बरादरान, वो उनके अब सबसे बड़े अलाई हैं। बात यह है कि आपके कॉल और फेल में तजाद है, आपके प्रैक्टिकली आपने आपकी जो एक होती है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर जो आपका जेस्टर होना चाहिए आपने वो कभी दिया ही नहीं। आप तो एक वो कहते ना एक बहुत ही बड़े कोई जिसे कहते हैं मैं अब उसकी क्या एग्जांपल दूं कि वो बनके आप नवाब इब्ने नवाब बनके बैठे हुए होते हैं और आपको पता नहीं होता कि मैंने कोई बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है तो उसके साथ मैंने किस टोन में या किस तरह बात करनी है और उससे मिलना कैसे है। इवन फॉरेन जो आपके आते हैं डेलीगेशन उनके साथ उनकी वो आप देख लें उनकी वो अच्छा वो बात कर रहे होते हैं खान साहब की तस्वीर कुछ और चल रही होती है वो कुछ और तरफ देख रहे होते हैं, कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको देखें मिसमैनेजमेंट एक और चीज़ होती है, नाअहली कुछ और चीज़ होती है। 2.5 साल से अगर आप 2.5 साल के बाद आपका तैयारा मलाशिया में रोक लिया जाता है तो आप ये कहते हो वो तो चूंकि पिछली गवर्नमेंट ने लिया था तैयारा, उन्होंने किस्तें नहीं दी तो आप 2.5 साल से झक मार रहे थे। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना
खान साहब के बड़े यू टर्न्स मशहूर हैं, उनको एक यू टर्न लेना पड़ेगा अपनी शख्सियत में भी। उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के डे वन बैठना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको को NRO दे देते ही वो माजर के साथ, उनको बैठ के कहना चाहिए था कि मैं मुल्क को ठीक करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खड़े होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आप वाबिया, मैं ये सारी चीज़ें करने जा रहा हूँ। और उसमें होता ये कि आप मुशावरत के साथ, जिस तरह आप कहते हैं ना NRO हो गया या मिसाक जमहूरियत हो गया, मिसाक मीशत एक करते पाकिस्तान में, ताजरों को बुलाते। अब प्रॉब्लम ये कि वो बिजनेसमैन जो इनके सबसे बड़े डोनर्स थे, जो इनके सबसे बड़े वेल विशर थे, जो इनको तब्दील, वो बैठ के अब रो रहे हैं कि जी हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करें, हमने तो तब्दीली के लिए लाए थे लेकिन तो हमारा तो बेटा गर्क हो गया। तो बात ये होती है कि कुछ चीज़ें अंदर से आपको करनी पड़ती हैं, आपके अंदर विल होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना, तो फिर कर गुजरें, नहीं तो फिर यही होगा कि 5 साल भी गुजर जाएंगे और 90 दिन का कहते कहते 5 साल गए, मुझे तो 15 साल मिलेंगे तो फिर मैं जाके कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं तो नहीं। समप करती हूँ आपके आपकी इस बात को। चले, लोग जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए पीछे की दोनों गवर्नमेंट से, जो बड़े बड़े लाइक आपका जो है वो पीपल्स पार्टी हो गई, आपका नून लीग हो गया, उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए, खान साहब आए, खान साहब जो है वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, अब क्या करें। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया, ठीक है, हर 10-12 साल के बाद माशाल्लाह लग जाता रहा, उस माशाल्लाह के नतीजे में फिर जो कुछ चीज़ें, देखें प्रोसेस ये होता है, छलनी जो होती है ना छलनी, उसमें आप एक दफ़ा दाने वो करते, फिल्ट्रेशन होती रहती है, जब ये प्रोसेस चलता रहेगा ना तो जो बुरा है वो निकलता जाएगा, जो अच्छा है वो रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ एक जुमला ये भी आता है कि जी आपका पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि जिसमें बुरे लोग जा नहीं सकते, तो भाई बात ये है, आप आवाम को इतना शऊर दे दो ना कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके। मैं KPK के आवाम को बड़ा कहता था कि जी वो बड़े बाशऊर हैं और उन्होंने हमेशा जो है वो ये काम किया है कि वो एक गवर्नमेंट को दूसरी दफ़ा नहीं। PTI वाले ये क्लेम करते हैं जी हम मुंतखब हुए हैं दोबारा, हालांकि वहाँ पर जो सूरतयाल थी, जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त जो बिलियन ट्री मंसूबा है गवर्नमेंट का, जो सबसे बड़ा मंसूबा था, उस पर करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिए। फिर उसके बाद आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट के दीगर मामला आते हैं, उस सब पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रहा है। फिर OGDCL और जितने इदारों की निजकारी हो रही है, उसमें बहुत बड़ी बड़े करप्शन स्कैंडल सामने आएंगे, तो ये सारी तब्दीली नहीं आएगी। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, देखें माशी इशारिये जो होते हैं ना, आज जिन इदारों की बात आप कर रहे हैं कि जी मोडीज कहता है जी पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, मोडीज 2014 में भी कह रहा था जब आपका GDP ग्रोथ रेट 5.5 हो चुका था कि जी पाकिस्तान में तरक्की बहुत तेजी से हो रही है और पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में है जिनमें जहां तेजी से ग्रोथ हो रही है, 2025 तक पाकिस्तान दुनिया को कर्जे देने वाला मुल्क बन जाएगा, ये मोडीज की रिपोर्ट है। तो उस वक्त आप कहते थे ये जी नवाज शरीफ या इनकी गवर्नमेंट ने खुद पैसे दे के बनवाई है रिपोर्ट, तो भाई ऐसा नहीं होता। वो जो इंटरनेशनली कुछ एजेंसीज या इदारे होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, उनके पैरामीटर्स होते हैं। गैलप अगर पाकिस्तान में कोई सर्वे करता है जो है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान में कोई सर्वे करती, उस पर पाकिस्तान में तो शायद को आप डंडी मार लें, लेकिन इंटरनेशनली आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो सिचुएशन है, आप जब आपके यहाँ मोटरवेज बन रही थी, जिन मोटरवेज पे सफ़र करके आज पूरा पाकिस्तान खुश होता है कि जी हमने ज़िंदगी में ऐसे, इवन मैंने तो देखा कि बाहर के कुछ लोग जब पाकिस्तान में मोटरवेज पे सफ़र करते, जी हमें तो लगता ही नहीं ये पाकिस्तान है इतनी तरक्की। तो बात ये होती है तरक्की या पैरामीटर्स यही होते हैं जो आपके तरक्की हो रही, आपके यहाँ 12,000 MW बिजली आ रही थी, आपके यहाँ आपकी स्टॉक एक्सचेंज 56,000 से क्रॉस कर चुकी थी, वो जो अब 30 तक आ गई वापस, तो ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स होते हैं। बाकी रही बात, मैं ना मानूँ और मैं सबको ही चोर कहता रहूँ, ऐसे नहीं होता, ऐसा ही होता है कि जब कौम, अच्छा उन चोरों के दौर में, उन चोरों के दमाजर के साथ, उन चोरों के दौर में अवाम में ये था कि चीनी उनको 40 रुपए 45 रुपए मिल रही थी, चावल जो है 100 रुपए से कम में मिल रहे थे, इसी तरह ऑयल जो था कुकिंग ऑयल वो भी 120-125 रुपए लीटर मिल रहा था, जो इस वक्त तक 350 के करीब पहुंच चुके हैं। फिर इसी तरह जो चीजें असियाई जरूरत होती वो अवाम को मिल रही थी, तो ये तो ईमानदार लोग आए थे, इनके दौर में ये सारी किधर चली गई। तो ये सारी की सारी बात ये होती कि अब अवाम में जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है ना, वो शायद लोग कहते हैं कि जी वो चोरों को ले आओ, वो हमारे लिए बेहतर थे, दो वक्त की रोटी तो खाते थे, ठीक है। बेसिकली ये है, नेवर एंडिंग डिबेट है जो चलती ही रहेगी और किसी ना किसी पैरामीटर पे जाके ये सेट होनी नहीं है, क्योंकि चीजों को कहीं ना कहीं कोई इनविजिबल हैंड्स ऐसे हैं जो सही नहीं होने देंगे जहां तक। अच्छा एक चीज़ जो है ना, देखें बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर मैं उसका बड़ा इंस्पायर हूँ उससे, उसकी पॉलिसियों से, उसके साथ मिलने के बाद,
और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि वो ऊपर आए, और वो ऊपर आने के बाद वो कोई सियासतदान नहीं है, ठीक है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। वो ये कहता है कि 10 साल के बाद आपका मुल्क, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, आपकी यूटिलिटी बिल्स फ्री ऑफ कास्ट होंगे, आप हर चीज़ कर रहे होंगे, फिर आप 10 साल के अंदर अपने मुल्क का कर्जा उतार दो, किसी ने पॉलिसियां वो कर दो, महंगाई 50% कम हो जाएगी, पॉलिसियां उसकी वाली नाफिज कर दो, आप 12,000 अरब टैक्स इकट्ठा करके इस मुल्क से दोगे, जो किसी पे बोझ नहीं बनेगा, जबरदस्त, ठीक है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे ला के उनसे ये काम किया जाता है? बात ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपके तवज्जो से, उनका नाम भी हारून हसन फतेह साहब है, मशहदान है, उनकी एक्सपर्टीज मौजूद है, वो शख्स हार्ट पेशेंट है, वो शख्स और बहुत सारी बीमारियों का पेशेंट है, लेकिन अगर वो 8-10 साल 5 साल जिंदा रहता है, उससे एक हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? उसकी फाइल इमरान खान साहब के भी पास पड़ी हुई है, और भी बहुत सारी जगहों पे पड़ी हैं, लेकिन मसला बदकिस्मती ये है कि हम लोग शायद ठीक होना ही नहीं चाहते, या हम लोगों को कोई ठीक करना ही नहीं चाहता। हर बंदा आता है, वो अपने हिसाब का अपने हिसाब निकाल के जेब में डालता है, चलता बनता है, ऐसा ना करें, इस मुल्क के साथ बेहतर करें। और ऐसे लोगों को आपने, शबर जैदी साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे, आपने उनको लगाया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, शबर जैदी साहब भी अगर भाग गए तो ये शख्स भागेगा नहीं, कम अज़ कम वो कहता है कि अगर मैं नहीं कुछ कर सका, एक साल के बाद मुझे चौराहे में खड़ा करके टांग दो, मैं किसी को कोई एतराज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ें, इवन वो कहते हैं कि दुनिया के जो बड़े मईशतदान हैं उनको ले आओ, मैं पॉलिसी बताता हूँ, अगर वो इनकार कर दें इस बात से कि जी ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, इस मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरीके से तारिक साहब ने बात की, बस दुआ आखिर में जाने से पहले यही है कि पीडीएम का अलायंस हो, या गवर्नमेंट और पीडीएम एक वेवलेंथ पे आ जाए, जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाजत दीजिएगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद।